अपनी दीदी को किडनैप करके ले जा रही हूँ, वो भी पिछले दरवाजे से। दी के मंगेतर की आज बर्थडे पार्टी है। ये है प्रीता, मेरी मंगेतर और मेरी होने वाली लाइफ पार्टनर। आज के दिन एक किस तो बनता है। दी, शिकारी के जाल में डरी फंसी हुई सी हिरनी लग रही थी आप। इट्स ओके दी, इट्स ओके। अब इन छोटी छोटी बातों के लिए थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी रखा क्या है उस दीपक में? अगर हम दोनों के बीच में प्यार और इज्जत का रिश्ता है तो शादी 100% सक्सेसफुल होगी। वाह पापा वाह, अपनी बेटी की सगाई पर क्या एंट्री मारी आप, उल्टू नशे में धुत। क्यों पापा, आज के दिन क्यों? दी, लड़के वाले आ गई। दी, सुना लड़के वाले आ गए? जाओ श्रुति, मेहमानों को संभालो। मैं पापा का मुंह हाथ धुलवा के। ठीक है, लेकिन ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई है। सगाई के बाद मैं फिर बोलूंगी जो मुझे बोलना है और आप मुझे नहीं रोकोगे। ठीक है, जाओ। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आइए आइए, सब अंदर आइए। नमस्ते। बड़ी सुंदर लग रही। थैंक यू। खुश। दीपक, वो कल के लिए आई एम सॉरी। इट्स ओके, पर इतनी जल्दी मैं माफ नहीं करूंगा। कल के हुए लॉस की भरपाई कर देना। और प्रीता, आज की शाम हम लवबर्ड्स बन ही जाते हैं। ओके? दीपक, तुम दोनों वहीं बातें करते रहोगे? जी आया मां। अरे रघुवीर जी हैं कहाँ? लो, नाम लिया और बंदा हाजिर। बधाइयां बधाइयां, आज तुम्हारी बेटी की सगाई है। अरे पापा जी, आप ठीक तो हैं? जजमान, सगाई का मुहूर्त हो रहा है। दीपक, चलो रस्म शुरू करनी सगाई की। चलो चलो। जी मां। संभी जी, घर के कागजात आपने बनवा लिए? जी आइए। ये रहे कागजात, जैसा आपने कहा था मैंने कागज वैसे ही तैयार करवा दिए हैं। अब मेरी छोटी बेटी सृष्टि, उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आपकी दोनों बेटियां मेरे घर में बिल्कुल सुरक्षित हैं। और फिर इन कागजात से आपके दामाद का सिर्फ बिजनेस ही सेट हो पाएगा जो आप ही की बेटी के काम आएगा। ये क्या हो रहा है? हाँ पापा। नहीं कुछ नहीं, और जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं। जरूरत है पापा, क्योंकि ये मेरे सिक्योरिटी का सवाल है। आप अपनी बेटी के ससुराल वालों को कह रहे कि वो मेरा ख्याल रखे? आप मेरी जिंदगी ऐसे ही किसी के हाथों में सौंप दोगे पापा? नहीं, मैंने देख लिया यहाँ क्या हो रहा है। आप हमारा पैसा हमारा घर इस औरत के नाम कर रहे हैं ना, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा? क्या हुआ, बात क्या है? पापा आपकी शादी की कीमत चुका रहे हैं और साथ में मेरी बलि भी चढ़ा रहे हैं। बट आई एम सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। पापा अपना घर आपके इन लॉज के नाम कर रहे हैं। मेरे इन लॉज को हमारा घर चाहिए क्यों? क्योंकि आपके होने वाले पति की लाइफ सेट करने के लिए। दी, पापा तो आपको सिक्योर करना चाहते हैं, लेकिन मुझे तो पूरा प्लान ही क्रेजी लग रहा है। मुझे इसमें हमारी सिक्योरिटी नहीं, हमारी बर्बादी नजर आ रही है। पूरा की पूरा घर उठा के दे दे, बताओ ऐसा कोई करता है क्या? और दो बातें तो क्लियर है पापा। सबसे पहली बात, आप हमसे छुटकारा पाना चाहते हैं ना, इसलिए आपने ये कदम उठाया ताकि ये लोग हमें अपने ही घर में रहने दें। तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता। हाँ हाँ जानती हूँ, प्रीता दीदी ही मायने रखती है ना आपके लिए, लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। पैसे भले आपके हैं, लेकिन उस पर मेरा भी पूरा हक है। आप मेरे बाप हैं, आपने मुझे जन्म दिया है, और आज आप कह रहे हैं कि आप मेरा बोझ नहीं उठाना चाहते। अमेजिंग पापा। एक मिनट सृष्टि, कोई घर वर नहीं बिक रहा, और अगर घर बिकता भी है तो उसके पैसे मेरे ससुराल वालों को क्यों जाएंगे? वही तो। दीपक, क्या तुम्हें इस बारे में पहले से पता था? देखो प्रीता, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सिचुएशन समझा सकता। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि तुम्हें पहले से पता था कि नहीं। हाँ पता था। प्रीता, उन्हें कुछ चाहिए था और बदले में मेरी माँ को कुछ चाहिए था, और शादी में ये छोटे मोटे लेन देन होते रहते हैं। सिंपल सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि इशू है, बहुत बड़ा इशू है। मैंने इस शादी के लिए हाँ कहा था क्योंकि मेरे पापा यही चाहते थे। तुम्हें पता है कि एक परिवार में ऐसे फैसले कैसे लिए जाते हैं? मिडिल क्लास लड़कियां हर रोज हर बार ऐसे हालातों से गुजरती हैं जहां उन्हें अपनी उम्मीदों और खुशियों से समझौता करना पड़ता है। लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं जो अपने संस्कारों से भी समझौता कर ले। ये मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ, एक समझौता मैंने किया था, सोचा था कि
प्यार का इंतजार नहीं करोगे? आखिर सच्चा प्यार किसको मिलता है? फिल्मी बात है ना, इसीलिए मैंने ऐसे लड़के से शादी करने के लिए हाँ कह दी जिससे मुझे और कोई उम्मीद नहीं थी, बस एक उम्मीद थी, इज्जत की। क्योंकि वो जानता था कि मेरे पापा के पास कोई पैसे वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी शादी के टाइम उसने दहेज की कोई बात नहीं करी। तो मैंने सोचा थैंक गॉड मोहब्बत नहीं है तो क्या हुआ, इज्जत तो है। उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक लड़की को जलाकर मार दिया क्योंकि उसे दहेज नहीं मिला था। बिहार में दो लड़कियों को एक कमरे में रखा गया, नौकरानियों जैसा सलूक किया गया, उन पर ना जाने कैसे अत्याचार किए गए। क्यों? क्योंकि लड़कियों का सम्मान नहीं होता, सम्मान होता है दहेज का। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर भी तुमने पापा का घर मांग लिया। प्यार में भी सौदेबाजी। पापा आपको बहुत बुरा लगेगा लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। जिस इंसान को मुझसे प्यार ही नहीं है, मेरी फीलिंग्स की कोई कद्र ही नहीं है, उस रिश्ते का क्या मतलब बनता है पापा? कोई फायदा नहीं है। वो आदमी जो मेरे पिता का घर लेना चाहता है, मेरी बहन को बेघर करना चाहता है, मैं उसे अपना पति अपना जीवन साथी कैसे मान लूं पापा? जिस रिश्ते में इज्जत नहीं होती वो रिश्ता नहीं टिक पाता। मैं उस इंसान की इज्जत कैसे करूंगी जिसने शादी के बदले मेरा घर ही तोड़ दिया? आई एम सॉरी पापा, मुझसे ये शादी नहीं हो पाएगी। अपने पिता को बेघर करके, अपनी बहन को घर से निकाल के मैं इस शादी में खुशियां नहीं ढूंढ सकती। अरे मैं कहां निकाल रहा हूं तुम्हारी बहन को, मैं तो कह रहा हूं वो हमारे साथ ही रहेगी और तुम्हारे पापा भी हमारी जिम्मेदारी। नहीं तुम गलत कह रहे हो, मेरे पापा मेरी जिम्मेदारी और ये घर इनका है। तुम्हारे फ्यूचर के लिए मैं अपनी फैमिली का फ्यूचर खराब नहीं करूंगी। हाँ मैं जानती हूँ जब एक लड़की का रिश्ता टूटता है तो लोग बहुत बातें बनाते हैं, उसके नाम पर बहुत कीचड़ उछालते हैं, फिर पता नहीं उसकी शादी भी हो या ना। लेकिन मैं क्या करूँ, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे शादी कर लूँ एक ऐसे इंसान से जिसे मैं इज्जत की नज़र से देख भी नहीं सकती? मैं नहीं जानती कि मेरा ये फैसला मुझे कहाँ ले जाएगा, जिंदगी यहां से कहां ले जाए। हाँ लेकिन इतना जानती कि जब एक लड़की शादी करती है तो अपने होने वाले पति में अपने होने वाले बच्चों के बाप को देखती है। क्या कहूंगी मैं अपने बच्चों से, कौन से संस्कार देकर उन्हें बड़ा करूंगी? प्यार कई रंग का होता है, एक बार के लिए प्यार से समझौता हो जाता है लेकिन इज्जत से नहीं, कभी नहीं। अरे तुम क्या तोड़ोगे इस रिश्ते को, मैं खुद ये रिश्ता तोड़ता हूं। और ये क्या तुम परिवार परिवार कर रही हो, कोई दम नहीं है तुम्हारे परिवार में? अपने बाप को देखा है, सीधा खड़ा भी नहीं रह सकता। बस एक घर है तुम लोगों के पास, वो भी तुम लोग देने से मना कर रहे हो। और कुछ दे रहे हो तो एहसान कर रहे हो क्या, दो कौड़ी के लोग? एक मिनट, मेरे घर में खड़े होकर तुम मेरी फैमिली की इंसल्ट नहीं कर सकते। ये रिश्ता टूट चुका है और मैंने ये रिश्ता तोड़ दिया है, सुना तुमने? चलिए माँ बाबा बहुत हो गया। दीपक, दीपक पुत्र, रुक्षा पुत्र, यूं सगाई तोड़ के मत जा पुत्र। प्रीता बिल्कुल सही कह रही थी, तुमने अगर उसके पिता से दहेज के रूप में कुछ भी मांगा है तो तुम गलत हो। तुम्हें प्रीता से अच्छी लड़की दूसरी नहीं मिल सकती है, माफी मांग लो और ये सगाई पूरी करो। अच्छा दीपक, प्रीता ये क्या है बेटा, तू उसे जाने दे रही, क्या जरूरत थी ये सब बातें कहने की? नहीं पापा, उसे मेरी बातों का बुरा नहीं लगा, उसे इस बात का गुस्सा है कि उसके हाथ से दहेज निकल गया। दी, वो गिफ्ट्स का क्या करें, ये लोग अपने अपने गिफ्ट्स
वापस ले जाएंगे क्या? मेरी शादी टूट गई, तुझे गिफ्ट्स की पड़ी है। शादी टूटी तो अच्छी बात है ना दी, लेकिन गिफ्ट्स वापस ले जाने वाली बात तो बुरी है। देखो अगर अच्छी खबर के साथ तुम्हें फ्री में गिफ्ट्स मिल रहे हैं तो ये तो डबल प्रॉफिट हो गया ना दी। प्रॉफिट की बच्ची क्या दी आप भी? दी ये लोग तो अपने सारे गिफ्ट यही छोड़ के गए। मैं खोल रही हूँ। प्रीता पापा ये क्या किया तुमने? पापा मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास वजह है उसकी। पापा मैं तुम दोनों को सेटल करना चाहता हूँ। ओह कम ऑन पापा, आपको क्या लगता है मैंने इस फंक्शन में आवाज क्यों उठाई? क्योंकि आप सब कुछ दी के नाम कर रहे थे और मुझे उसमें से हिस्सा चाहिए था। नहीं पापा मैं सब नाटक कर रही थी क्योंकि मुझे दी को उस लालची फैमिली से ना बचाना था। क्या पता शादी के बाद और भी कुछ डिमांड करते। तुम रहती तो अच्छा था। अरे नहीं तुमने मुंह क्यों खोला? पापा नहीं इसकी वजह से तुम्हारी शादी टूटी है। ओके दी रिलैक्स। पापा आप एक काम क्यों नहीं करते, एक पैक क्यों नहीं बना लेते आप अपने लिए? हाँ मैं बनाती हूँ आपके लिए पैक। यहाँ चेयर को होल्ड कीजिए, ये वाली यहाँ पे। कहाँ गई वो बॉटल? ये रही शराब की बोतल। दवाई की बोतल। पापा उठिए। पापा सृष्टि पापा को अभी 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 रघुवीर जी को ब्रेन कैंसर है और ये लास्ट स्टेज है कैंसर की, इसलिए उन्हें बार बार चक्कर आते हैं, गिर पड़ते हैं, शराब पीने की वजह से नहीं। रघुवीर जी आप दोनों से अपनी बीमारी छुपाकर यहाँ पर आते रहे और इलाज कराते रहे। उनकी लास्ट रिपोर्ट में मैंने सिर्फ 3 ही महीने का टाइम दिया था, ये रिपोर्ट 3 महीने पहले की है। 3 महीने पहले समझ में आ रहा है कि पापा मेरी शादी को लेकर इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए और मैं तुझे भी शादी के लिए राजी कर लूं। मेरे ससुराल वालों की मदद, हम दोनों को साथ में रखना चाहते थे क्योंकि वो हमें छोड़ कर जा रहे थे। हमें पता भी नहीं था। क्या हुआ दी, क्यों रो रहे हो? पुरानी बातों को याद कर रहे हो ना? प्लीज दी भूल जाओ। दी देखो स्टेशन आ गया, हम मुंबई में। कम ऑन दी लेट्स गो। बस कुछ ही दिन पहले मैं कितनी खुश थी, अपने शहर में अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू करने वाली थी मैं, और आज देख लो अपनी बहन को लेकर एक अजनबी शहर में खड़ी। कुछ पता नहीं कि अब कहाँ ले जाएगी जिंदगी यहाँ से हमें। आखिर क्या लिखा है? पापा मैंने आपको गलत समझा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। हम दोनों आपके बिना नहीं रह सकते पापा, आपको हम दोनों के लिए जीना होगा। हम तीनों की छोटी सी तो दुनिया है पापा, अगर आप चले गए तो हमारा कोई नहीं रहेगा।
नहीं है बेटू। मेरे जाने के बाद तुम दोनों अनाथ नहीं होगी। मैंने ये बात तुम लोगों को नहीं बताई, आज बता रहा हूं। सच, बहुत बड़ा सच। तुम्हारी मां सारी बात सारी बात क्या? हाँ बेटू, ये सच है। हम तीनों के अलावा तुम्हारा एक और परिवार है। तुम्हारी मां, तुम्हारी दादी, तुम्हारी बड़ी बहन सृष्टि। हाँ पापा। बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाए नहीं पापा, प्लीज ऐसा मत बोलो। तो तुम उस परिवार में चली जाओ। नहीं, पर पापा आपने तो कहा था कि हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। उन्होंने ना ही कभी हमें याद किया और ना ही हमारे लिए कभी वापस आई। इनफैक्ट उन्होंने आपको भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था ना, तो अब हम क्यों जाए उनके पास? मुझे माफ कर देना, मैंने तुम लोगों से जिंदगी में बहुत झूठ बोले, क्योंकि मैं तुम दोनों की नजरों में गिरना नहीं चाहता था। एक और बात। क्या पापा? मैं तुम्हारी बड़ी बहन प्रज्ञा, प्रज्ञा से मैं मिला था कुछ दिन पहले। कौन है ये लोग? प्रज्ञा, मैंने बताया था ना कि मैं अपनी दो बच्चियों के साथ यहां रहता हूं। ये तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारी बड़ी बहन। तुम दोनों से मिलने के लिए बहुत बेकार हो। वही तो है जो तुम दोनों का ख्याल रखेगी। पापा, कि बेटी आपके सामने है, आपका पूरा परिवार है। अगर आप चाहे तो आप अपनी गलती सुधार सकते हैं। पापा, तुम दोनों को ढेर सारा प्यार देगी। मौसम की तरह हमारी जिंदगी भी अचानक रंग बदलती है। अभी अभी आसमान साफ था और अब ये बादल और बारिश। वो एड्रेस क्या था जो पापा ने दिया था? बेटा, इसे संभाल के रख लो। इसमें मैंने हमारी माँ को पता रख दिया। कमाल करते हैं आप। कल तक हमारी कोई मामा नहीं थी और आज ये सब। I'm sorry. मैं नहीं मानती ये सब चीज को। नहीं बेटा, नहीं, इज्जत नहीं करते बेटा। ये सच्चाई है कि वो तुम्हारी माँ है। मैं नहीं, तुम दोनों बच्चियों को तुम्हारी माँ से दूर कर दिया था। नहीं पापा, मैं नहीं चाहता था कि ये बात तुम्हें कभी पता लगे, लेकिन अब तुम दोनों को अपनी माँ के पास चले जाना चाहिए। इसी में तुम दोनों की भलाई है। घर भेज दो। घर भेज के जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से तुम्हारा गुजारा चल जाएगा। प्रीता, मुझे वादा करो कि तुम अपनी माँ से मिलो। वादा करो। एड्रेस, आई होप हम यहाँ नहीं जा रहे हैं। हाँ सृष्टि, पापा ने नंबर और एड्रेस तो दिया, लेकिन पता नहीं ये माँ कैसी माँ होगी। हाँ, जिन्होंने अपने बच्चों को कभी पलट कर भी नहीं देखा। करेक्ट, मुझे भी नहीं जाना इनसे मिलने। गुड। लेकिन मैंने तो पापा को प्रॉमिस किया है
और ये उनकी आखिरी इच्छा थी, इसीलिए मुझे सृष्टि को धीरे धीरे इसे लेकिन समझाना होगा कि हम कम से कम एक बार हमारी माँ से मिले, उन्हें ये बताने के लिए ही सही कि हम उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते। क्या दी, काश आपने सारे पैसे अपने पास रखे होते जो हमें घर बेचकर मिले थे, कम से कम आज तो अपनी इतनी बुरी हालत नहीं होती। दौलत से ज्यादा पापा की इज्जत मायने रखती है, उनका जो कुछ भी कर्जा था वो तो चुकाना बहुत जरूरी था, वरना लोगों की नजरों में वो एक बदनाम बेईमान इंसान बनकर रह जाते। कैसे हो ना दी आप, मतलब हमेशा सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचते हो, अपना फायदा कभी सोचते नहीं हो आप। पता है सृष्टि, जब भी हम मुसीबत में होते हैं तो जिंदगी हमें कोई ना कोई लेसन सिखाती है। मुश्किल की घड़ी जब हमें तोड़ देती है तो हमें खुद ही उठकर उन टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ना होता है, और एज अ डॉक्टर मैं यही तो करती हूँ। ओके दी, समझ गई। एक आखिरी एड्रेस, एक ऐसा ठिकाना जिसका कोई नाम था, अब वो भी चला गया हाथ से। अब तो सच में कुछ नहीं बचा हमारे पास, पापा की आखिरी विश थी हमारे, और अब वो भी खो गए। मैंने नासिक छोड़ दिया क्योंकि पापा ने उस जमीन पर दम तोड़ दिया, उस जगह ने मेरी सारी हैप्पी मेमोरीज में दर्द मिला लिया, और अब मेरे सामने ये मुंबई शहर, पता नहीं इस अनजान शहर कोई खुशी ढूंढ पाऊंगी या नहीं।